दोस्तों ये कहानी है इंग्लैंड के लंदन शहर की, जहाँ पर एक कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में एक बड़ी मशीन थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मशीन थी। एक दिन अचानक वो मशीन बंद पड़ जाती है। उस मशीन के बंद पड़ जाने से फैक्ट्री का पूरा काम रुक गया। फैक्ट्री के मालिक इस बात को लेकर चिंता में पड़ गए। उस मशीन को सुधारने के लिए एक के बाद एक इंजीनियर्स को बुलाया गया, पर उस मशीन को कोई भी ठीक नहीं कर पाया। फैक्ट्री के मालिक की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। फिर किसी ने कहा कि यहीं पास में एक बूढ़ा रिटायर्ड इंजीनियर रहता है, क्यों ना उसे भी एक बार बुला लिया जाए। फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि उसे भी एक बार बुला लेते हैं। उसे फैक्ट्री में बुलाया गया। वो फैक्ट्री में आया। उसने वो मशीन को पहले अच्छी तरीके से देखा, फिर अपने टूल बॉक्स में से एक हथौड़ी निकाली और उस मशीन को कुछ जगहों पर हथौड़ी से मारा और वो मशीन शुरू हो गई। फैक्ट्री के मालिक और वहाँ काम करने वाले सभी लोग बहुत ही खुश हो गए। फिर उस बूढ़े रिटायर्ड इंजीनियर ने फैक्ट्री को वो मशीन सुधारने का बिल दिया। बिल था 50,050 डॉलर। फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि इसने किया क्या है जो इतना पैसा मांग रहा है, सिर्फ एक दो जगह हथौड़ी का इस्तेमाल ही तो किया है। तो उन्होंने सोचा कि वो लोग उस बूढ़े रिटायर्ड इंजीनियर से बिल का ब्रेकअप यानी उस बिल का डिटेल मांगेंगे। तो उस बूढ़े रिटायर्ड इंजीनियर ने बिल का ब्रेकअप दिया। उस बिल के ब्रेकअप में लिखा था, टैपिंग द मशीन विथ हैमर $50 ओनली, बट नोइंग वेयर टू टैप फॉर दैट $50,000। यानि हथौड़ी से मशीन पर मारने का सिर्फ $50, पर ये बात का पता होना कि हथौड़ी का इस्तेमाल किस जगह पर करना है उस मशीन के, उसका $50,000। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ही बात समझ में आती है कि नॉलेज इज पावर। अगर आप नॉलेजेबल हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी ने खूब कहा है, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो। अगर आप काबिल बनते हो तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती। आपने देखा होगा कि दूसरे देशों से लोग यहाँ पर आकर काम प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ के लोग ही कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा, जॉब की कमी है। जॉब है पर उनके लिए है जो उसे करने के काबिल है। तो अगर आप अपने जॉब्स में स्ट्रगल कर रहे हो तो अपना नॉलेज अपग्रेड करो, आप भी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और एक टॉपिक के साथ और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।